चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो कि आईआईटी में आए हैं, आईआईटी जेई में आए हैं, नीट में भी सिमिलर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने जो पढ़ा उसका एप्लीकेशन कैसे है, मैंने आपको बताया था दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो वो हमेशा याद रखिएगा वो मास पर बेस्ड होती है। मास्क बहुत काम का है कोरोना से बचने के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, अगर आपके मेमोरी में है कि नहीं है, है ना। कोई भी छोटे लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे बड़े लेवल के एग्ज़ाम हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, आईआईटी हो, जेई हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें सारे क्वेश्चन ईजी नहीं होते, सारे क्वेश्चन एवरेज नहीं होते, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस रहता है, कुछ क्वेश्चन ईजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन एवरेज लेवल के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं हमको, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे आएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सिंपल भी है, इसका फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट, बताओ। स्टैंड अप फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा करने से नहीं होगा। पढ़ाया है मैंने, नोट्स भेजा है आपको, है ना, वीडियो बनाया है, इतनी मेहनत काय के लिए की है, पर पेज कोई नहीं पलटा है, कॉपी नहीं पलटाने का, हाँ ठीक है, बता जरा आप, यू व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट, हाँ लास्ट में बेटा आप, हाँ दोनों सहेलियाँ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रायोलाइट, बताया भी था मैंने वीडियो में, बताया था अगर आपकी क्लास में पढ़ाया होगा या नीचे पढ़ाया होगा, बताया था मैंने कि क्रायोलाइट का यूज़ किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट ईयर आपको 12th में एक चैप्टर है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना, उसमें आप लोग पढ़ोगे मेटलर्जी में कि जब कभी कोई मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें क्रायोलाइट को ऐड किया जाता है, जिससे कि उस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मान लो 2000 है तो समझ जाओ कि वो 1200 पे आ जाएगा या 1500 पे आ जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए। तो इसका यूज़ भी है, बताया था मैंने वीडियो में, ठीक है, और मैंने बोर्ड में इस साइड में लिखा था, मैंने उसको बताया भी था और उसका मैंने सारा लिखवाया आप लोगों को, नोट्स भी भेजा हूँ मैंने कि कौन कौन सी अल्कली मेटल और कौन कौन सी अल्कलाइन एर्थ मेटल कौन कौन से ओर बनाती है, ठीक है। तो Na3 AlF6 ये ना सोडियम का ये ओर है, क्रायोलाइट। तो पढ़ाया जो जा रहा है आपको, बताया जा रहा है, तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ, मेमोरी बेस्ड। आप इसमें होशियार हो गधे हो इससे कोई मतलब नहीं होता, है ना, कोई होशियार कोई गधा नहीं होता। मेमोरी वीक और स्ट्रांग नहीं होती है, मेमोरी ट्रेंड और अनट्रेंड होती है, इज इट क्लियर। और आप पढ़ते जाएंगे, कोशिश करते जाएंगे, याद करते जाएंगे तो आपको चीज़ याद रहेगी, समझ में आ रहा है, ठीक। तो कैसे क्वेश्चन हुआ बेटा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, है ना, याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, इसमें कोई होशियारी वाली बात नहीं होती। अरे कोई भी चीज़ अगर मुझे याद है तो पता चलेगी ना, है ना, यस और नो। दूसरे क्वेश्चन होते हैं नॉलेज बेस्ड, ठीक है, जैसे कि आपके सामने जो क्वेश्चन है इसकी कैटेगरी आप लोग डिसाइड, आप लोग बताइएगा मुझे कि इस दोनों क्वेश्चंस की कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो आपको नॉलेज है कि नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अल्कली मेटल सोडियम, अल्कली मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, किससे रिएक्ट करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, अगर एयर मतलब जब बात होगी बेटा समझ जाना, एयर में केमिस्ट्री में जब बात होती है तो एयर में हमारे जो काम का जो एलिमेंट है जो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कल बताया था मैंने, कितनी होती है 3.5 होती है, इसलिए बहुत काम का है हमारे, ठीक है। और नेचुरल अबंडेंस भी सफिशियंट है, रिएक्टिव भी है, ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है उसको, तो एयर की जब बात होगी समझ जाना कि ऑक्सीजन से मतलब है उसका, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब। तो लिमिटेड सप्लाई मतलब नॉलेज की बात क्या होती है कि अभी तक हमने 10th क्लास तक क्या पढ़ा था कि मेटल या कोई नॉन मेटल होती है वो जनरली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड बनाती है, यही तो पढ़ा था हमने। 11th क्लास में हमने उसके आगे पढ़ा कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ अगर एयर है, ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्साइड बनाएंगे, और अगर एक्सेस या ज़्यादा अमाउंट में अगर सप्लाई है ऑक्सीजन की तो क्या बनाएंगे, परऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन सारे एलिमेंट ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, सारे परऑक्साइड नहीं बनाएंगे, और सारे ऑक्साइड तो वैसे सारे बना लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, लेकिन सभी मेटल्स
चाहे वो अल्कली मेटल्स हो या अल्कलाइन, सारी मेटल्स क्या नहीं बनाएगी, परऑक्साइड नहीं बनाएगी, और सारी मेटल्स सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएंगी। क्लियर है? फिर मैंने आपको सबकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया था, यस और नो, है ना? ठीक है, रेड मास्क स्टैंड अप, बताओ जरा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। वन पॉइंट सेवन, डोंट से एनीथिंग इफ यू हैव नथिंग टू से। क्लियर? 1.7 नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्साइड्स की, परऑक्साइड्स की और सुपर ऑक्साइड की। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है आप बताओ लास्ट में जरा, 10% बना ली अपने, अच्छा काम किए, लेकिन में उससे 10 गुना ज़्यादा पढ़ना है। 10 की केमिस्ट्री इतनी थी, शुरू होते ही ख़त्म हो जाती थी। 11 की केमिस्ट्री शुरू होती ख़त्म ही नहीं होती है। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट पढ़ो दूसरा पॉइंट निकल के आता है, दूसरा पढ़ो तीसरा निकल के आता है। समझ में आ रहा है? आप लोगों को डिफरेंस फील हो रहा है 10th 11th में? नहीं हो रहा है? 10th की फिजिक्स बायो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंस फील हो रहा है ना? एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया है, इतने से इतना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई का लेवल भी ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा आपको। सोचो कि वैसे परसेंटेज ला के मार्क्स ला के, मार्क्स आर द नॉट एग्जैक्ट मिरर इंडेक्स ऑफ योर माइंड, इज इट क्लियर? नोबडी विल आस्क यू ना कि आपने कितने परसेंटेज ट्वेल्थ में गेन किए, कोई बात सब कोई मतलब नहीं। 95 ला लो, एमपी टॉप कर लो, जेई नीट में नहीं हो पाया, अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाया, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो ऐसी पढ़ाई का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे, समझने के लिए पढ़ोगे तो मार्क्स अपने आप आएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? उससे कम परऑक्साइड की, सबसे कम। तो मैंने बताया था आपको, लिखवाया, नोट्स भेजा, सब किया आपके लिए। ठीक है, ठीक, तो किसकी स्टेबिलिटी होती है? तो ये क्या है? नॉलेज, जो बात कर रहा हूँ आपको कि कौन ऑक्साइड बनाएगा, कौन परऑक्साइड बनाएगा, कौन सुपर ऑक्साइड बनाएगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? नॉलेज वाला, कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू है तो क्या है? ऑक्साइड, और माइनस वन है तो परऑक्साइड, और ओ टू पे माइनस वन है तो। ये हर किसी को पता नहीं होता, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पता नहीं होता, जनरली बच्चे नहीं पढ़ते। तुम्हारे फ्रेंड्स अगर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हो तो उनसे पूछ के देखना, अगर बताएंगे तो मुझे बताना। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये सिंपल ऑक्साइड, ये परऑक्साइड, और ये स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो ये मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कैसा है? नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, अब नॉलेज आने से नहीं होता, उस नॉलेज को अप्लाई करते आना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर मेरे पास कार है और बारिश हो रही है और बारिश में मैं कल भीग के जा रहा हूँ, तो उसमें बारिश की गलती नहीं है, कार की गलती नहीं है, किसी गलती है? है ना? ठीक है, इसका मतलब मुझे उसका यूज़ भी करना है। इज इट क्लियर? ठीक, तो पढ़ाई कर लिए, सब सीख लिए, अब उसको यूज़ करते नहीं आता, नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करते नहीं आता तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक, और वो कैसे होगा? जब आपके अंदर आने लगे तो वो आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो वो आएगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड सक्सेस काउंट्स एवरी मिनट एवरी सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और उसके आंसर क्या होंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? द कंपाउंड फॉर्म्ड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन, इस पूरे क्वेश्चन का जो राज है इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है। ठीक है, ठीक, तो इधर के मोहल्ले वाले लोग छोड़ करके, वार्ड नंबर एक को छोड़ के बाकी वार्ड वाले आंसर देंगे। बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर? जिसको पता हो हैंड रेस करो। नहीं, तुम तो उसी मोहल्ले वाले हो, तुम रहने दो, डोंट टॉक, बताओ बेटा जल्दी से। अरे बताओ ना, सही होगा गलत होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा? एन ए, हाँ तो ये बोल रही है एन ए टू ओ होगा। ठीक है, आपको कुछ बोलना है? अक्कड़ बक्कड़ है ना, मारो है ना, जय गणेश भगवान जी की, मारो इसमें।
बी पे आया पेन मारो, है ना। ठीक, तो ऐसा नहीं ना बेटा, जेई और नीट एग्जाम ऐसे नहीं होती ना, है ना। इसका अपना एक लेवल है, अपना एक स्टैंडर्ड है। ठीक, तो इसके क्या होगा और को बताएगा। मैंने लिखाया था आप लोगों को कि लिथियम जो है लिमिटेड सप्लाई हो या एक्सेस सप्लाई फॉर एयर हो, क्या बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड। लेकिन सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड। ऑक्साइड तो सारे बनाएंगे लेकिन लिथियम है ना सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा, बट सोडियम मेक्स ऑक्साइड एज वेल एज परऑक्साइड्स, पैराऑक्साइड नहीं परऑक्साइड्स, एंड पोटेशियम रूबिडियम एंड सीजियम। पोटेशियम रूबिडियम सीजियम दीज अल्कली मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स एज वेल एज सुपर ऑक्साइड्स। क्लियर है। ठीक, तो लिमिटेड सप्लाई में क्या बनाते हैं बेटा ये लोग, अगर कम ऑक्सीजन भी है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है या ऑक्सीजन है, तो सिर्फ क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन जब एक्सेस सप्लाई होती है तो सोडियम बनाता है परऑक्साइड और पोटेशियम रूबिडियम और सीजियम बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, फिर इसका आंसर होगा Na2O2। क्लियर है, ये आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, क्लियर कि नहीं, सही है। इक्वेशन जिनने भी दिया एग्जाम में पेपर जो सेटर होता है जानबूझ के देते हैं, पता होता है बच्चे फंस जाएंगे, बच्चों को ऐसी लगता है इमोशंस आ जाती है, ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ी थी, और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल क्रिकेट खेले होंगे ना, कभी कभी बॉल बहुत स्लो आती है और अपन प्लान करते हैं यस इस बॉल पे तो बिल्कुल पता कि अच्छा आउट हो गया क्या, ऐसा होता है ना, कभी हुआ है आपके साथ, मेरे साथ तो हुआ है, ऐसा होता है ना, ऐसा और नो, तो ये लड्डू क्वेश्चन बोलते हैं इसको, है ना। देख के लगता है बड़े आसान टाइप के हैं और हम उस जाल में फिर फंस जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक, तो इसके मल्टीपल आंसर है ना, क्या है IIT में जो पैटर्न था पहले उसमें मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन भी आया करते थे, है ना, एडवांस जिसको बोलते हैं ना अभी अपन, उस पैटर्न में ये मेंस जो है प्री और मेंस, तो पहले प्री और मेंस हुआ करता था, अभी ये मेंस और एडवांस हुआ करता है, तो वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आंसर हुआ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई बाल्टी पानी से पूरी भर जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आधी तो भर ही जाएगी, यस और नो। अगर कोई बाल्टी पानी से पूरी भर चुकी इसका मतलब तो आधी तो, अब समझना, यदि कोई मेटल लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्साइड बनाती है, क्या बोला मैंने, यदि कोई मेटल लिमिटेड सप्लाई या कम सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाती है, अपने ऑक्साइड्स बनाती है, तो एक्सेस ऑफ एयर में तो बनाएगी ही, एज वेल एज उसके साथ साथ क्या बनाएगी, परऑक्साइड। अगर बनाती होगी तो उसके साथ साथ क्या बनाएगी, सुपर ऑक्साइड। यदि बनाती होगी तो कंडीशन सप्लाई, सारी मेटल नहीं बनाती ना परऑक्साइड, सारी मेटल सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती ना, यस और नो। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्या है बेटा बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, मतलब यहाँ क्या है, ये ऑक्साइड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, और अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है और दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 चार्ज है, बिकॉज सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 सोडियम से, तो यहाँ 2 सोडियम मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, एक इसको डोनेट कर देगा और ये वाला इसको डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन किस फॉर्म में बेटा, यहाँ किस फॉर्म में बताइए, इसका नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड, और यहाँ ऑक्सीजन किस फॉर्म में, इसलिए इसका नाम क्या होगा बताइए, क्या होगा, सोडियम परऑक्साइड। तो यहाँ पर इसलिए देखिएगा, अब यहाँ दिया है
अब यहाँ जो ब्रैकेट में एस लिखा है ना, अब आपको उसका मतलब समझ में आएगा। समझ आ रहा है? तो एक सोडियम ऑक्साइड बना रहा है और दूसरा सोडियम परऑक्साइड, तो क्या हो गया, ये कंपाउंड नहीं हुए, अब ये कंपाउंड्स हो गए। क्या हो गए? समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर अब समझ में आएगा आपको ईजर आर क्यों लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर एक सिर्फ ऑक्साइड या परऑक्साइड बनाता तो ईज आता, लेकिन यहाँ पर ऑक्साइड भी बना रहा है साथ साथ एज वेल एज, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा बेटा, कंपाउंड होगा तो ईज आएगा, कंपाउंड होगा तो आ रहा है। तो बेसिक जो हमारी इंग्लिश है उसका भी हमको यहाँ यूज़ है। समझ में आ रहा है? तो उसको ध्यान देना है। क्वेश्चन को मैंने बताया ना, इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे आपके मेमोरी में है। अच्छा, एक क्वेश्चन कब बन पाएगा आपसे मुझे बताओ, अगर आपके मेमोरी में सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला है, तो ही आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इतने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज तो है लेकिन उसको अप्लाई करते भी आना चाहिए और उसी से हमारी स्किल का डिवेलपमेंट होता है। इज दैट क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो सब क्या समझ में आया हमारे, कि यहाँ पर एक्सेस सप्लाई अगर आप एयर करोगे दोगे तो सोडियम ऑक्साइड तो बनाएगा ही साथ साथ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ होगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे 11th क्लास में, ठीक? तो गेट रेडी फॉर इट। इज दैट क्लियर? ठीक, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से अंदर से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कि बेरिलियम का ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड का कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का। समझ में आ रहा है? लिथियम फ्लोराइड कैसा होता है, वाटर में इनसॉल्युबल क्यों होता है। समझ में आ रहा है? आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो जेई और नीट में क्वेश्चन भी आते हैं और आपकी एग्जाम में भी आएंगे। समझ में आ रहा है? आपको इतना ड्रिल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है तो आपकी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, एज वेल एज आप कभी आगे इन फ्यूचर जाओगे एग्जाम देने के लिए, नीट जेई या और भी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, एंट्रेंस दोगे, बीएचयू का दोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दोगे, और भी कहीं का दोगे आप, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ आपके काम आएगी। और आज की डेट में एग्ज़ाम में अगर आप नहीं करोगे, अगर आप सिविल सर्विस में भी जाना चाहते हो तो वहाँ पर जीके होता है जनरल नॉलेज और जीएस होता है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में पीएससी यूपीएससी की तैयारी करोगे तो वहाँ पर जनरल साइंस हमेशा काम आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? जिसका अगर एम वैसा भी होगा तो बेटा बेसिक हमेशा याद काम आएगा। गॉट इट ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े बेटा, ठीक है। हेलो बेटा, स्टैंड अप, क्या लिख रहे हो बेटा आप? व्हाट आर राइटिंग? यस यू, क्या लिख रहे हो? व्हाट आर राइटिंग इन योर कॉपी? आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, हिंदी में पूछूं, क्या लिख रहे हो कॉपी? अरे बताओ ना, क्या लिख रहे थे? पता ही नहीं क्या लिख रहे थे, खुद लिख रहे थे ना, तो खुद को पता होना चाहिए क्या लिख रहे थे। ये लिख रहे थे तो बताओ सर, ये लिख रहे थे। सिट डाउन, या ध्यान दो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द मेन ऑक्साइड, क्या बोला बेटा? ऑक्साइड नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? Oxide. साथ में क्या बोल रहा है? मेन बोल रहा है, ठीक है। द मेन ऑक्साइड्स फॉर्म्ड ऑन कंबशन, ठीक है, ऑफ लिथियम सोडियम इन एक्सेस, फिर यहां दिया एक्सेस ऑफ एयर। एयर मतलब किससे बात कर रहा है वो? एयर मतलब बोला किससे, किससे मतलब है? ऑक्सीजन से मतलब है, ठीक है। आपको यहां क्या याद होना चाहिए, आपके मेमोरी में याद होना चाहिए कि अल्कली मेटल में कौन कौन सी मेटल आती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम आते हैं, आते हैं। लेकिन लिथियम एक ऐसा एलिमेंट, बताया था बेटा आपको एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आएंगे वहां से। टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, लेकिन पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। पढ़ाया मैंने आपको, नोट्स में लिखा है, यस और नो? सबके जो हैलाइड्स होते हैं अल्कली मेटल के, वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट
तो जहाँ एक्सेप्शन आया वो आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है? क्लियर बेटा? तो लिथियम एक ऐसा अल्कली मेटल है जो कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो या एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर हो, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा बेटा? ऑक्साइड बनाएगा। यस और नो? और ऑक्साइड बनाएगा तो लिथियम पे आता है प्लस वन चार्ज, के बाद सबको मालूम डुप्लेट कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन को अपना क्या कंप्लीट करना है? अरे बोलो ना, इस पर क्या चार्ज आएगा? वन। इस पर चार्ज आएगा टू, टू यहाँ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, Li टू ओ, या सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा ये? तो लिथियम फॉर्म्स ओनली एंड ओनली ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और एक्सेस ऑफ एयर। इज दैट क्लियर? क्लियर है? तो लिथियम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? लिथियम का ऑक्साइड, एक्सेस रहे चाहे लिमिटेड सप्लाई रहे। इज दैट क्लियर? तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें कि एक तरीका ये भी होता है आंसर निकालने का, आप ऑप्शंस को कट करते जाइए जो कि हो ही नहीं सकता, जो कि हो ही नहीं सकता। यस और नो? इसका नाम आपको पता नहीं क्या है, नहीं मालूम आपको। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दूंगा नाइफ, है क्या ये? क्योंकि ये पता है, ये क्या है पता नहीं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा भैया पेन है, तो पेन है क्या ये? अरे है क्या? नहीं है। मैं आपको उसको बोलूँगा आयरन है। अब फोर्थ ऑप्शन रहेगा चौक, तो भैया जो नहीं है वही वाला होगा बाकी, क्योंकि बाकी तीन तो ऑप्शन पता है ना हमको, है ना? कल्पना खुश हो गई, कुछ तो बन रहा है ना, ठीक। हाँ तो अच्छी बात है ना, खुश हो गई, बन रहा है तो खुश होना चाहिए ना। यस और नो? है ना, ठीक। यस और नो? तो ये हो सकता है कि बेटा आंसर, कल्पना बता। नहीं ना सर, ऐसा कोई बोलते नहीं ना सर, फर्स्ट वाला होगा। क्यों नहीं हो सकता? अरे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्या बना रहा है ये? क्या बना रहा है ये नहीं मालूम मुझे, क्या बोलो, क्या इसका निकालो जरा, इस पे चार्ज क्या होगा ऑक्सीजन पे? अरे यहाँ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा? माइनस वन। मतलब क्या बनाएगा यहाँ पर ये? लिथियम परऑक्साइड तो बनता ही नहीं है, इसलिए कट्टिस पिट्टिस सब बराबर इस। अरे सर लो, बराबर हो गया कि नहीं? ये वाला, ये क्या है? कौन सा ऑक्साइड है ये? O2 पे माइनस वन है, कौन सा है? ये भी नहीं होगा। क्लियर? अब लड़ाई इन दोनों के बीच में यहाँ देख लेते हैं। अभी अभी पढ़ा हमने कि सोडियम क्या बनाता है, सोडियम क्या बनाता है? कायमी। अगर यही ऑप्शन, इसी ऑप्शन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कर देता तो ये नहीं बनता। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आते, बेस को ही कई तरह से घुमा फिरा कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा, सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर कॉन्सेप्ट, सी फॉर करेक्टनेस। पुराना जो आपने पढ़ा है उसको कनेक्ट करते अगर आपको नहीं आता तो केमिस्ट्री आपको हमेशा पसंद करेगी। क्लियर है? आप अभी जो IUPAC नॉमिनेचर सीख रहे हो वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्वेल्थ में काम आएगा। जितना आपने पीरियड में पढ़ा वो आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में काम आएगा, ठीक है, और हमेशा काम आएगा, ठीक। इसलिए पुराने कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होते जाएंगे, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। समझ में आया बेटा? तो एक्सेस ऑफ एयर में क्या बनाता है? सोडियम। क्या बनाता है? और यहाँ क्या है वो? क्या है यहाँ? ऑक्साइड है। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्या कि एक्सेस ऑफ एयर में लिथियम क्या नहीं बनाता, क्या नहीं बनाता? तो यहां जिस भी में क्या था, यहां सुपर ऑक्साइड था और यहां पर जानबूझ के ऑप्शन दिए जाते हैं ऐसे, है ना। ये बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, उन्हें सिर्फ पढ़े हैं कि रटे हैं, ये चेक करने के लिए, ठीक है। आ रही बस समझ में? अरे आ रही कि नहीं? नॉर्मल और ना थोड़ा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, ऐसे ही क्रिएट होता है। यस और नो? जो केस नॉर्मल सॉल्व नहीं होता वो वही केस किसको दिए जाते हैं, है ना, कौन कौन जांच करता है उसकी, मतलब कुछ स्पेशल है ना। यस और नो? वैसे यहाँ पर भी IIT JEE नीट दोगे तो वहाँ के क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेंगे, क्योंकि पता है यहाँ पर कि लिथियम क्या नहीं बनाता,
बताइए एक्सेस ऑफ एयर में क्या नहीं बनाता, और इसलिए परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड वाले ऑप्शन हमने क्या कर दिए, ये यहाँ पर लिथियम क्या है परोक्साइड है और यहाँ पर नहीं होना बेटा, आप चार निकाल लिया करो। आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका नाम क्या पढ़ेंगे, क्या निकाल लिया करो। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1, तो इस पूरे O2 पे कितना चार्ज आएगा, अरे कितना चार्ज आएगा, और O2 पे यदि -1 चार्ज हो तो उसका नाम क्या होता है, क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। समझ में आ रहा है ठीक। और इसमें क्या, हाउ मेनी लिथियम्स आर देयर, 2, तो 1 लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो हाउ मेनी लिथियम्स आर देयर, 2, तो 2 लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 2, तो यहाँ हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 2, तो एक ऑक्सीजन पर एक लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस ऑक्सीजन पर 1 माइनस आया, और दूसरे लिथियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो दूसरे वाले ऑक्सीजन पर भी, तो कितने लिथियम हो गए यहाँ पर, 2, तो क्या लिखेंगे हम उसको, Li 2, और ऑक्सीजन में कितने हो गए, 2, तो क्या लिखेंगे, Li 2 O 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर अगर आप चार्ज देखो तो क्या आ रहा है, -1, और ऑक्सीजन के ऊपर यदि -1 चार्ज हो यानी ऑक्सीजन के एक O पर यानी, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, और हमने अभी पढ़ा था क्या, पहले भी बता पढ़ चुके क्या, कि लिथियम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, तो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड वाला ऑप्शन सबसे पहले हमने कट कर दिया, क्लियर है। तो इस लेवल से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आई होप सो आप लोग समझ रहे हो कि कैसे पढ़ना है आपको, इसलिए मैं आपको एग्जाम में बता दिया, कुछ क्वेश्चन मैं आपको नीट के बता दूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि आपको जो पढ़ रहे हो उसका क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, क्या इंपॉर्टेंस, सब समझ में आ रहा है आपको, कि आप जो पढ़ रहे हो आपको जो नोट्स लिखाए जा रहे हैं वही से क्वेश्चन आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, तो मैं कुछ आपको नीट के भी क्वेश्चन बताऊंगा तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया, तो समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है जो पढ़ाया हमने उसको, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें फ़ायदा मिलता है, तो आपको जो पढ़ाया है उसको ढंग से पढ़ना है, एक एक बात का ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर कि नहीं, ठीक। चलिए तो कल हमने क्या पढ़ा बेटा, इसके अलावा बेटा इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर ली ना, तो इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है बेटा। चलिए तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था बताइए, कल क्या पढ़े थे, कि व्हेन अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स विद हेलोजन दे फॉर्म देयर हैलाइड्स, एंड वी हैव स्टडीड 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कली हैलाइड्स एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैलाइड्स, इज इट क्लियर, पढ़े थे ना, कौन कौन सी मेथड पढ़े थे जल्दी बताओ, फर्स्ट पॉइंट है, अरे क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करती किससे, किससे, हैलोजन से, और क्या बनाती है, सेकंड क्या पढ़े थे, उनके मेटल के ऑक्साइड्स किससे मिलते हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड से, और क्या बनाते हैं, हैलाइड्स एंड वाटर एंड रिलीज वाटर, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी क्या करते हैं, अरे मेटल्स के हाइड्रोक्साइड भी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किससे, हाइड्रोहेलिक एसिड से, और क्या बनाते हैं, और क्या रिलीज करते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट मेटल्स के कार्बोनेट्स किससे रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलिक से, और क्या बनाते हैं, और क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, लिखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, इतने पॉइंट आप लिख लिए, उसके आगे लिखिए, आयोनिक नेचर ऑफ क्या पढ़ रहे बेटा हम, टॉपिक क्या है हमारा, रिएक्शन विथ हैलोजन्स, किसकी, रिएक्शन विथ हैलोजन्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या पढ़ रहे हैं हम, अरे क्या पढ़ रहे हैं, हाँ उसमें हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट कल क्या पढ़े थे, व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स विद हेलोजन एंड है ना, दे फॉर्म विच टाइप ऑफ हैलाइड्स, MX 2 टाइप हैलाइड्स, इज दैट क्लियर,
फिर हमने उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्या पढ़े थे, अरे डिफरेंट डिफरेंट क्या पढ़े थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे ना, अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या पढ़े थे कि क्या होगा ये, इसका क्या बनाएगा ये, है ना, पढ़े थे कि नहीं ना। और क्या रिड्यूस करते हैं, वाटर। और क्या पढ़े थे अपन ने, इनके क्या हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, क्या रिड्यूस करते हैं, अरे क्या रिलीज करते हैं, और क्या पढ़े थे इनके कौन कार्बोनेट्स किससे रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, MX2+CO2 गैस रिलीज होती है, और वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन का बैलेंस करना यहाँ हमारा मैटर नहीं है, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट इट, इज दैट क्लियर। चलिए ना, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आयोनिक नेचर इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा सब, बताओ आयनिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनिक कौन सा होगा, लोएस्ट आयनिक कौन सा होगा, क्यों होगा, क्या रीज़न होगा, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। तो आयनिक नेचर ऑफ MX2 हैलाइड्स है ना, इनके MX2 हैलाइड है, इनका आयनिक नेचर क्या होगा, तो बेरिलियम है, फिर बताइए बेरिलियम फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन से मिलेगा, एग्जाम्पल ले लेते क्लोरीन का तो क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड। मैग्नीशियम यदि क्लोरीन से मिलेगा तो, कैल्शियम क्लोरीन से मिलेगा तो, और स्ट्रॉन्शियम क्लोरीन से मिलेगा तो, और बेरियम मिलेगा तो बेरियम क्लोराइड। ये बेरिलियम क्लोराइड है और ये बेरियम है, ठीक है। तो इनका आयनिक नेचर टॉप टू बॉटम जाने पर इनके हैलाइड्स का आयनिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्वेश्चन आएगा व्हाई नॉट व्हाई, इज इट क्लियर, कौन बताएगा। अच्छा सबसे हाईएस्ट आयनिक कौन सा होगा, हाईएस्ट आयनिक कौन सा होगा, लास्ट में आप बताओ, बहुत दांत निकल रहे हैं, हाईएस्ट कौन सा होगा जल्दी बताओ, यस यस यस, हाँ लोएस्ट कौन सा होगा, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, और क्यों होगा, ध्यान दे दो बेटा एग्जाम में आने वाले सभी काम आएगा, कौन सा होगा हाईएस्ट, दिख रहा नहीं यहाँ तो, अब देख के नहीं बता पा रहे हो, और लोएस्ट कौन सा होगा, हाईएस्ट कौन सा होगा, बेरियम क्लोराइड, लोएस्ट कौन सा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो बना लोगे, लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो बना लोगे, क्या करना है, ठीक है। रीजन क्या होगा, कल पढ़ाया मैंने आपको, बन जाना चाहिए, परसों ही पढ़ाया था, हाँ वेरी गुड। डिफरेंस ऑफ, देखिए जरा बेरिलियम में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी निकालिए जरा, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कितनी कल पढ़ाया था मैंने, लिथियम कितनी होती है, अरे लिथियम कितनी होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कितनी, 1, तो इसकी कितनी होगी, कितना जोड़, कितना ऐड करते हैं, 0.5, इसकी कितनी होती है, 3, कितना डिफरेंस आएगा, 1.5 आएगा, यस और नो, टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी कितनी है, अरे 1.5, मैग्नीशियम कितनी थी, 1.2, कैल्शियम कितनी थी, 1, तो बताओ इसकी 1.5, देखो बेरिलियम के नीचे कौन है बेटा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नीचे कैल्शियम, उसके नीचे स्ट्रॉन्शियम, उसके नीचे बेरियम, इसकी कितनी है 1.5, इसकी कितनी है 1.5, बताइए कितनी है इसकी, 1, मतलब क्या देख रहे हो आप, इनकी कितनी नहीं मालूम उनको, 1 से कम ही होगी, ऐसा नो, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉनिकिटी कम हो रही है, लेकिन यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिकिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि सब जगह यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, मतलब सब जगह क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिकिटी कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, 3, तो उससे जो अटैच होने वाला एलिमेंट है वो मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉनिकिटी क्या हो रही है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी बताओ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बताओ मृदुल,
टॉप टू बॉटम जाने पर अल्काइल अर्थ मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? हाँ तुम बताओ क्यों हो रही, बता दोगे तो मान जाऊंगा, फिर तुमको बैठने की परमिशन मिल जाएगी। कम हो रही मालूम है क्यों कम हो रही है? अरे टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों कम होती है? टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ने से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रॉन को इंस्टीड ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बदले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ते हैं, दैट्स व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स में उल्टा होता है, नॉन मेटल्स क्या करती है, वेरी गुड बेटा बैठ जाओ, नॉन मेटल्स क्या करती है पढ़ा करो थोड़ा सा, है ना ठीक, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेनी ए लिटिल मेक्स अ मिकल, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई रोज करो, एक दिन की पढ़ाई से पढ़ाई नहीं होने वाली बेटा, पढ़ते जाओ घर में रिवाइज करते जाओ, क्लियर है, रिवीजन ही डिवीजन है ठीक। तो ये वाला डिवीजन है जो तुम लोग बनाते आ रहे हो, अब थोड़ा उस लेवल थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना है ना ठीक है। तो क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉनिटी क्या हो रही है, अरे क्या हो रही है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी क्या होगा, देखो जरा एक एग्जांपल लेके देखते हैं ठीक है। रीजन आपके एग्जाम में अगर ऐसा है तो क्यों है, क्या रीजन बताओगे, निकालो जरा एग्जांपल, पी बेरिडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैं बीच में रोक करके इस टॉपिक को आपको पहले वो क्यों पढ़ाया, ताकि आपको बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाला है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लो समझ लो और जहाँ लगे उसको वहाँ अप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है, दो जगह अप्लाई कर सकते हो उसको आप, उनके स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए, उनकी रिएक्टिविटी पता लगाने के लिए, और एज वेल एज उनका नेचर पता लगाने के लिए कि वेदर दे आर कोवेलेंट और नहीं। अभी बताओ बेरिलियम क्या होगा, कितना बेटा, अरे बेरिलियम कितना 1.5, ये कितना, ठीक है डिफरेंस कितना आएगा, कैसा है 1.7 से, तो पोलर कोवेलेंट होगा, ऐसा और नो पूरी तरह कोवेलेंट भी नहीं होगा, पूरी तरह आयनिक भी नहीं होगा, क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी है 1.2, इसकी कितनी है, कितना डिफरेंस आएगा बताइए, और कितना आएगा 1.7 ज़्यादा है, कैसा होगा, है ना, ये प्लस टू और ये माइनस लिखेंगे यहाँ, क्लियर है, ऐसा और नो, इसका कितना 1, ये कितना 3, कितना डिफरेंस आएगा, अभी माइनस टू पर लिख देना यहाँ पर ना ठीक है, ये समझने के लिए बड़ी वैल्यू जो भी रहेगी उसमें से आप छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे ठीक है। तो क्या वो देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो आप, क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने से यहाँ ये पोलर कोवेलेंट था, यहाँ आयोनिक है, यहाँ कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लिखे हो आपने, कौन सा कैरेक्टर बनना चाहिए, क्या बोल रहे हो आप, आयनिक नेचर क्या होगा टॉप टू बॉटम जाने पर, इनके हैलाइड्स का आयनिक नेचर टॉप टू बॉटम जाने पर क्यों होगा, ये रीजन आपके सामने है, क्या कि टॉप टू बॉटम जाने पर अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से उनका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से उनकी, अभी बॉन्ड लेंथ वाले से रिलेट मत करो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर बढ़ता है, ये इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और क्लोरीन इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर, तो बॉन्ड नेचर ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब है कि तुमको नींद आ रही है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, तबीयत खराब है ठीक है, ठीक हो जल्दी से, समझ में आ रहा है ठीक है बेटा, अरे आ रहा है कि नहीं, एग्जाम में रीजन आएगा भैया ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, व्हाट इज ना नेचर ऑफ देयर हैलाइड्स, आयनिक नेचर व्हाट इंक्रीजेस वाई, तो लिखना है आपको क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, देयर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, देयर फॉर देयर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, दैट्स वाई
आयनिक नेचर विल बी इंक्रीज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। क्लियर एकदम, चकाचक एकदम, पूरा क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? पक्का ना? समझ में आ गया? हमारे कल पढ़े थे, आज काम आया कि नहीं आया? इसलिए बोलता हूँ सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर कनेक्शन। ठीक है, दिमाग की बत्ती जल रही है कि जल रही है? ये तो मेंटॉस खाया करो। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बेरियम टर्न्स, सॉरी बेरियम बर्न्स, बेरियम बर्न्स इन कॉन्टेक्ट विथ क्लोरीन। बेरियम जो है वो क्लोरीन के कॉन्टेक्ट में आने पर बर्न होता है और क्या बनाता है? अरे क्लोरीन के कॉन्टेक्ट में आने क्या बनाएगा बेरियम? बेरियम क्लोराइड बनाएगा। ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ऑक्साइड बनाएगा। हेलोजन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो हाइड्राइड, हाइड्रोजन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फिर, हाइड्रोलाइटिक नेचर ऑफ दीज हैलाइड्स, हाइड्रोलाइटिक नेचर ऑफ दीज हैलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम क्लोराइड टू बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इनका हाइड्रोलाइटिक नेचर क्या होता है? बेरियम क्लोराइड तक इनका हाइड्रोलाइटिक नेचर क्या होता है? अरे लिखे ना आपने, क्या लिखे? क्या होता है? इंक्रीज की डिक्रीज? क्या लिखे आपने? हाँ क्या लिखे? डिक्रीज लिखे ना। हाँ इंक्रीज तो नहीं लिख लिए। कौन सा नेचर? हाइड्रोलाइटिक नेचर ऑफ हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम क्लोराइड टू। ठीक है बच्चों, थैंक यू। कुछ लोग तो बेल बजते ही